हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मित्र दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करना है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड MPPAB क्या नौटंकी चला रही है, उसने क्या 25 मार्च 2022 जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 या मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पेपर लीक हो चुका है उसका जवाबदार कौन होगा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है कि आप सब एकजुट हो या ना हो, ये सब के बारे में आज बात करेंगे। जिससे कि फर्स्ट में कृषि अधिकारी का जो पेपर लीक हुआ था उसका जिम्मेदार कौन था, दोबारा तो पेपर हो चुका है पर उसका जिम्मेदार कौन है, कोई भी बड़ा अधिकारी सामने चलकर नहीं आया। अब MPPAB भी सामने आके नहीं बोल रही हैं कि 25 मार्च को दो शब्द तो आके सामने आके बोले कि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी उनकी तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ जारी नहीं किया गया है और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, युवाओं के साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है। युवा जो अंदर से बहुत टूट चुके हैं क्योंकि MP पुलिस का जो रिजल्ट आया 24 मार्च 2022 को, जिनके अच्छे नंबर थे उनका तो रह गए और जिनके कम नंबर थे उनका सिलेक्शन हो चुका है फिजिकल के लिए, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड ठीक है आपने जो किया है पर आप स्कोर कार्ड तो बताइए किस आधार पर आपने नॉर्मलाइजेशन किया है और किस आधार पर आपने ये रिजल्ट आउट किया है, बाहर किया है, कुछ एक दो घंटे तीन फिर दूसरे दिन आपने फिर हटा लिया रिजल्ट को, फिर शाम को फिर अपलोड कर दिया, उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ। जनरल में बहुत सारे लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 75 पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 74 पे भी जनरल गर्ल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है और 70 OBC पेपर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो किस प्रकार लड़कियों के साथ अन्याय हुआ है कांस्टेबल की एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में इसका जवाबदार कौन होगा, उनकी सब जो भी है जवाबदार अधिकारी वो कोई सामने चल के नहीं आ रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, आपने माना है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जितने भी पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की मान लिया, पर आप स्कोर कार्ड तो शेयर कीजिए, स्कोर कार्ड को बताइए किस नंबर पे आपका बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, किस नंबर पे गए, इतने नंबर इनके आए, स्कोर कार्ड तो बताइए, तो बच्चों को भी लगे कि हाँ यार हमने ये कमी रह चुकी है हम आगे और तैयारी करें। और आप बता ही नहीं रहे कैटेगरी रिपोर्ट, हाँ कैटेगरी वाइज भी बताइए कि इस कैटेगरी में इस बच्चे का इतने नंबर, जैसे कि SSC GD ने अभी 2 दिन पहले 25 तारीख को रिजल्ट शो किया है, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल बेकायदा बता दिया है कि इस नंबर वाले कैंडिडेट हैं, इससे ऊपर वालों का फिजिकल के लिए उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए ना, आपसे नहीं हो रहा है तो आप SSC को फॉलो कर लीजिए, SSC को फॉलो कर दीजिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आप MPPAB। अब क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन, आपने बस यही बता दिया कि क्वालिफाई या डिसक्वालिफाइड, आप या तो क्वालिफाई हुए तो कितने नंबर पे हुए, डिसक्वालिफाई हुए तो कितने नंबर पे हुए, या कैटेगरी कट ऑफ बता दीजिए कि इस कैटेगरी वाले इस इतनी कट ऑफ पे गए मिनिमम मैक्सिमम, जिससे बच्चों का जो MPTET या MP संविदा वाले जो भी बच्चे हैं पारदर्शिता रहेगी, आज या कल में MPPAB जारी कर देगी MPTET संविदा वर्ग 3 की आंसर की, अब उसमें क्या होता है, अब शिक्षक को साथ आना है कि नहीं आना है, जो भी आप वर्ग जो भी आप संविदा शिक्षक को जो भी जितने एक साल का एक्सपीरियंस है आप सब साथ आइए। और बहुत सारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं PEB, जैसे कि जिस एग्ज़ाम हुई थी मध्य प्रदेश पुलिस की तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत आए थे, तो अब हमें थोड़ी पता है किस प्रकार से क्वेश्चन सही हुआ है, किस प्रकार से गलत हुआ है, कौन से क्वेश्चन, आप सब शो कीजिए ना, शो कीजिए तो हमें भी पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन कौन सा सही था कौन सा गलत था, डबल आंसर की बताइए आप। और PEB की तरफ से कोई भी दो शब्द आके आ गया, आके कोई नहीं बोला है, बिल्कुल कोई आगे आकर बोलता तो अच्छा रहता। एक छतरपुर में अभी आंदोलन चल रहा है MPPAB की लड़कियां आंदोलन कर रही रोड पर उतर के, और आप जो सोशल मीडिया पे जितने भी मैसेज करते हो सोशल मीडिया पे मत कीजिए भैया, ज़मीनी तौर पर उतरिए, आप अपने अपने ज़िले में ज्ञापन दीजिए और RDI लगाइए आप, ठीक है, कानूनी तौर पर चलिए आप, क्योंकि 10-12 लाख कैंडिडेट जो MPPAB के एग्ज़ाम दे चुके हैं, 12 लाख तो बेरोजगार बैठे हैं अभी, और संविदा शिक्षक में 10 लाख के समथिंग फॉर्म आए हैं, 9-9.5 लाख के समथिंग फॉर्म है, मतलब 10 लाख मान लो आप, वो भी बेरोजगार हैं, जो संविदा शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके साल का कितने साल का एक्सपीरियंस का है, ये सब चीज़ें बातें, ये सिस्टम को सही करो मामा जी, आप सिस्टम को सही करो,
ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी इमेज पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि व्यापम नाम तो बदला है पर व्यापम घोटाला 1 घोटाला 2 सीरीज बनेगी अब इस बार, क्योंकि कृषि अधिकारी में कम वैकेंसी थी और ऑफिसर लेवल थी, मान लिया कि कम फॉर्म थे, पर इस बार 12 लाख फॉर्म ने इस प्रकार से एमपी पुलिस में भी ऐसी आपने क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई बता दिया है। जो शहीदा शिक्षक का 25 मार्च को जो पेपर लीक हुआ है उसका बेकायदा फोटो वायरल हो रहे हैं, तो किस प्रकार से कौन जवाबदार होगा? पीबी ने कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन सामने आके पत्रकार के सामने आके नहीं बोला है, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज़ किसी भी अखबार में सामने आके नहीं बोला है। तो आप बोलिए, पीबी को जगाइए थोड़ा सा और हैशटैग लगाइए आप, ठीक है, और अपने अपने ज़िले में आप। अब जो युवा जो तैयारी कर रहे हैं, अब जो एमपी पुलिस की बात थी, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, अब जिनके डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो बहुत टूट चुके हैं अंदर से, क्योंकि 74, 75, 78 नंबर वाले जो जनरल कोई सी भी कैटेगरी हो, अच्छे अच्छे नंबर वाले भी ये हो गए हैं, फेल हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो किस आधार पर सिलेक्शन हुआ ये तो बताइए आप, जिनका सिलेक्शन हुआ है अच्छी बात है फिजिकली है, पर किस आधार पर आपने पीबी ने ये डिसीजन लिया है वो सब आप शो कीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। और आप सब भाई और बहन बस ये कीजिए कि ज्ञापन दीजिए अपने अपने ज़िले में, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दीजिए और सब छात्र संगठन को साथ में ले जाइए, जितने भी न्यूज़ चैनल वालों को कॉल करिए और न्यूज़ में चलाइए, क्योंकि आपका एकमात्र सपोर्टर है न्यूज़ चैनल, जितना आपका सपोर्ट करेगा उतना अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि इंदौर भोपाल में आप जो संविदा शिक्षक हैं, हमें रेगुलर ये कीजिए, परमानेंट कीजिए। अभी तो आप साथ आइए, अभी आप साथ आओगे तो कितना अच्छा रहेगा। जितने भी हो आप टीचर हो, सब टीचरों से कॉन्टेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, सब आप एकजुट होइए और सब छात्रों का साथ दीजिए। जितने भी आप स्कूल में टीचर जो पढ़ा रहे हो वो भी आप अपने स्टूडेंट को भी साथ कीजिए और सब एक साथ होइए, तब जाके आपको पता चलेगा। और सरकार की इमेज पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, मामा जी जग नहीं रहे हैं, ये नोटिंग की क्या चला रखी हैं मामा जी इसके जवाबदार होंगे अब, क्योंकि पीबी तो कोई जिम्मेदार ही नहीं, पीबी कौन जिम्मेदार बनेगा, मामा जी ऊपर भी जो इमेज पे प्रभाव पड़ रहा है। मामा जी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको पीएबी जो अभी पेपर लीक हुआ है उसकी पूरी संपूर्ण रूप से जांच करवाइए, और जो भी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की जो रिजल्ट आया है, क्वालिफाई हुए डिसक्वालीफाई किस नंबर पर हुए, किस आधार पर हुए, इनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में किस नंबर पर कम हुए ज़्यादा हुए, इन सबको शो कीजिए। तो इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में रहेंगे, जो बच्चे कम नंबर पर डिसक्वालीफाई हुए हैं तो उन्हें पूरी पारदर्शिता आएगी, उनका पूरा अवलोकन हो जाएगा उस जो रिजल्ट आया है, तो किस प्रकार से वो आगे तैयारी करें नहीं करें, क्योंकि बच्चे कोविड के कारण बहुत सारे टूट चुके हैं, मनोबल टूट चुका है बहुत सारों का। और आप सभी प्रिय मित्र, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आप बच्चे अधिकतर कॉन्टेक्ट में आएंगे। और कमेंट कीजिए आप, कमेंट करने से क्या होगा, आपके मन में जो भी विचार चल रहा है मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आप सब कमेंट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।